आज देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के 182 मीटर ऊंचे मुजस्मे का इफ्तिताह किया, जिसे मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम देते हुए देश के नाम किया। जबकि देश से यूनिटी और एकता को खत्म करने का काम उनकी सरकार और उनका भगवा परिवार लगातार कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, इस तरह की खबर है। इस खबर से गुजरात और देश के आम इंसानों के मन में कई सवाल हैं और शिकायत भी है, जिनका कहना है इतना पैसा दौलत नर्मदा नदी के आसपास बसने वाले गांव के लोगों के लिए खर्च किया होता तो आज किसानों को खेती के लिए पानी मिलता, लोग पानी के लिए तरसते नहीं, इससे आम गरीब आवाम का क्या फायदा होगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं, इतना बड़ा सरमाया आम जनता के लिए खर्च किया गया होता तो ऐसा बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी के साथ में हॉस्पिटल का निर्माण होता जिसमें गरीब आवाम का इलाज होता, नर्मदा डैम के आसपास बसने वाले गांव वालों को पीने का पानी मिलता और वो पानी के लिए तरसते नहीं।